हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपाली रथ ब्लॉग्स। और मैं हूँ रूपाली। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ फूल गोभी की मसालेदार सब्जी, जो कि थोड़ा ग्रेवी टाइप रहेगा और राइस के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट लगता है। तो रेसिपी कैसे बनाएंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फूलगोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने फूलगोभी लिया है जिसको मैंने ऐसे मीडियम पीस में काट के लिया है, इस तरह से, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। और प्याज को मैंने लंबा लंबा काटा है और टमाटर को भी थोड़ा बड़ा साइज कट किया है। धनिया पत्ता है यहाँ पे, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता को मिला के एक पेस्ट बनाया है मैंने मसाला। तो चलिए, सबसे पहले हमको गोभी को फ्राई करेंगे। गोभी को मैं धो के साफ़ करके रख चुकी हूँ और उसको थोड़ा हल्का फ्राई हम कर लेंगे। कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा रिफाइन ऑयल लेंगे। और इस तरह से गोभी की सब्ज़ी आप सूखा वाला भी बना सकते हैं और ग्रेवी में भी बना सकते हैं। और थोड़ा ग्रेवी बनाएंगे तो लंच में राइस के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है जो फूलगोभी मैंने काट के रखा था। सबसे पहले इसको थोड़ा हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा लगता है और फूलगोभी पक भी जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लेता है फूलगोभी पकने में। तो अच्छी तरह से फूलगोभी को हम फ्राई कर लेंगे, ऑयल में मिला लेंगे और उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम आंच में करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करेंगे। देखिए, लगभग हमारा फ्राई हो रहा है। 5 से 10 मिनट गोभी को हम फ्राई करेंगे। इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर रही हूँ ताकि गोभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो हार्ड रहता है गोभी, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम निकाल लेंगे और ग्रेवी की तैयारी हम करेंगे। अभी देखिए, गोभी हमारा लगभग फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो देखिए, अभी हम गोभी को निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में ही हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो देखिए, सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा गोभी जो है अच्छे से फ्राई हो रहा है, लगभग गोल्डन ब्राउन हमारा हो चुका है गोभी। तो इसको निकाल लेंगे अच्छी तरह से और ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, नहीं तो मिल जाएगा, टूट जाएगा। तो थोड़ा सा ही फ्राई करके 5 से 10 मिनट हम इसको निकाल लेंगे। अभी देखिए, उसी कढ़ाई में ही मैं बनाऊंगी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले तो हम डालेंगे पंचपूरन। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हमारी ओडिया के खाने में पंचपूरन हम डालते हैं और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मैंने पंचपूरन डाल लिया है और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। और मैं आज तीखा नहीं बना रही हूँ, इसलिए हरी मिर्च मैंने नहीं डाला है। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है प्याज जो मैंने लंबा लंबा काट के लिया था। प्याज को मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से ऑयल में मैं मिला रही हूँ। अच्छी तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे, नहीं तो प्याज का जो कच्चा स्मेल आता है वो ग्रेवी में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए प्याज को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को अच्छी तरह से पकाएंगे और उसके बाद हम मसाले भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाइए इंस्टा पे फॉलो करिए। इंस्टा का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हम इंस्टा पे बात कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए और फॉलो करिए। यहाँ पे देखिए, मेरी प्याज लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मसाला जो मैंने बना के रखा था, प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी इसमें मैंने लिया है, उससे भी स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों का कच्चा स्मेल जाने तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम पानी ज़रूर ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मसालों में जो पानी लगता है ना, उसको हम ऐड करके डाल लेंगे। देखिए, जो जार में जो पान था मसाला, थोड़ा सा हम पानी डाल के उसको हम मसालों में ऐड कर लेंगे। और साइड में मैं बना रही हूँ राइस। जैसे कि मैंने पहले बोला है, राइस के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं एक टमाटर को डाल रही हूँ और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आज मैं ग्रेवी वाला फूलगोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ।
थोड़ा सा ग्रेवी वाला, जिसको राइस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हमारा जो कच्चा स्मेल था मसालों का वो जा चुका है। अभी हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और देखिए यहाँ पे कश्मीरी चिल्ली पाउडर का मैं यूज़ करूँगी, जिससे कलर अच्छा आता है, तीखा भी नहीं लगता है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक हम ऐड करेंगे। और देखिए स्वाद अनुसार जितना क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आप नमक ऐड कर लेंगे। और सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसको पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल इसमें से छूट जाए, तो हमारा मसाला बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। तो देखिए मसाला हमारा पक चुका था, ऑयल छूट गया था, मैंने जो गोभी फ्राई करके रखा था इसको इसमें ऐड कर दिया है। मैंने सारे गोभी को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि जो मसाला है गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे मसाला गोभी से मिक्स हो जाए और उसको पकाएंगे। देखिए यहाँ पे राइस मेरा बन रहा है और ये लंच एकदम है, राइस और गोभी की सब्जी बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी। तो देखिए हमारा गोभी का जो सब्जी है अच्छे से पक रहा है और इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। देखिए लगभग अच्छी तरह से हमारा मसालों के साथ गोभी जो है पक चुका है। हम इसमें जितना हमको चाहिए ग्रेवी उसी हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ग्रेवी वाला सब्जी आज बना रही हूँ, तो मैंने पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ग्रेवी मुझे चाहिए राइस के साथ। आप चाहें तो सेमी ग्रेवी भी बना सकते हैं, सूखे वाला सब्जी भी बना सकते हैं, तो हर तरीके से अच्छा लगता है। तो राइस में खाने के लिए थोड़ा सा हम ग्रेवी ज़रूर बनाएंगे, रोटी के साथ खाने के लिए कम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा राइस बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अभी देखिए मैंने इतना सा ग्रेवी लिया है, तो इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे, उबाल आ जाए ताकि ग्रेवी में, तो हमारा सब्जी जो है बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे गोभी की सब्जी, ज़रूर इसको बनाएगा, रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा, बनाएगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और आपकी कमेंट की इंतज़ार में रहूँगी मैं। तो देखिए हमारी जो गोभी में की सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है, गोभी फूल गोभी की मसालेदार ग्रेवी वाला सब्जी जो है बिल्कुल बन के तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी था। तो इसमें हम एंड में ऐड करेंगे धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता काट के रखा था, उसको हम ऐड कर लेंगे और हमारा सब्जी जो है बिल्कुल बन के तैयार है। कितना डिलीशियस और यम्मी दिख रहा है, और ग्रेवी वाला सब्जी राइस के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसको रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए इसको सर्व कर लिया है मैंने, तो हमारा मसालेदार फूलगोभी का सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।